यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। छात्र संगठन एनएसयूआई ने युवाओं की मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध मोर्चा शुरू कर दिया है। सरकार की ओर से पहले भी सवालों के जवाब से बचने के कई प्रयास किए गए हैं, जिनसे परेशान होकर अब युवा सीएम निवास का घेराव करेंगे। एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा कि जहां जहां माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे वहां वहां एनएसयूआई हरियाणा उनका पीछा कर सवालों के जवाब मांगेगी। एक बार पहले भी हमने उनसे 60 सेकंड का समय मांगा था और उस वक्त हमें जेल का रास्ता दिखा दिया गया था। पंचकुला में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। एनएसयूआई की तरह से सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को हाउसिंग बोर्ड चौक पर रोक दिया और इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर प्रशासन की ओर से इन पर वाटर कैनन कर इसे रोका गया है। तो लगातार सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए ये नजर आ रहे हैं और इनकी मांग ये है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर एक बार इनसे बात करें।